नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और आतिया सेठी की शादी को लेकर आई बड़ी खबर। इस दिन लेंगे दोनों ही साथ फेरे, तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, टीम इंडिया के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और आतिया सेठी की शादी की खबरें लगातार चर्चा में बनी रहती हैं और दोनों ही कई बार मुंबई में एक साथ सपोर्ट भी हुए हैं और दोनों के बीच पिछले कई सालों से रिलेशन चल रहा है। केएल राहुल आतिया सेठी को पिछले 3 साल से डेट कर रहे हैं और अभी थोड़े समय पहले आतिया सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि हम 3 महीने के अंदर शादी कर लेंगे, जिसके बाद इन दोनों की शादी की सुर्खियां काफी ज्यादा वायरल होने लगी थी। लेकिन दोस्तों, अब आतिया सेठी के भाई ने इन दोनों की शादी को लेकर एक बड़ी अपडेट दिया जहां पर पता लगा है कि यह दोनों इस साल के एंड तक शादी नहीं करवाने वाले। आतिया सेठी के भाई ने बताया कि इन दोनों की शादी को लेकर हमने अभी तक कोई भी अरेंजमेंट नहीं की है और वहीं दोनों की शादी की एक नई डेट निकल कर आई है जहां पर यह दोनों अगले साल यानी कि 2023 में जनवरी या फरवरी महीने में शादी के बंधन में पूरी तरह से बंध जाएंगे। और फिलहाल केएल राहुल की टीम इंडिया में वापसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है क्योंकि लंबे समय से केएल राहुल इंजरी से जूझ रहे हैं और लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर भी हैं और हाल ही में वेस्टइंडीज़ दौरे पर केएल राहुल की वापसी हुई है। अगर केएल राहुल पूरी तरह से फिट होते हैं तो इस दौरे पर हमें खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, केएल राहुल के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।